असद तुम हाँ रेता। कहीं जा रहे हो? हाँ एक काम से जा रहा था। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन दोस्त की तरफ जाना ड्रॉप कर दोगे? क्या मैडम आप शायद कुछ भूल रही हैं बोल रहे हो? कि दोस्तों में ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। अगर तुम अपनी दोस्त के घर जाना है तो बोलो, असद मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अच्छा वही मेरा मतलब था, मैं चेंज कर कराऊं, मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ थैंक श्योर। यू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, रास्ते में रुक के मिठाई लेनी है, रुक जाओगे ना? पहली बार जा रही हूँ, बुरा लगता है खाली आ जाना। देता वो भी ले लेंगे, जल्दी जाओ। हाँ जल्दी से आई। देता एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं अंदर से लेके आता हूँ मिठाई, क्योंकि बहुत रश होगा अंदर। ठीक है जल्दी आना। बाबा भूखा है बाजी, अपने बच्चों का सदका दे दे, दुआ करेगा लेकिन देंगे अपने बच्चों का सदका दे दे भी। बाबा बहुत भूखा है, दे दे कुछ खिला दे। अरे क्या बारी हो गई, सुन नहीं रही तू? बच्चा जा, अल्लाह तेरी जल्दी शादी करा दे। अबे तेरी तो अब रिदा, चलो मिठाई आ गई, चलो 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 जल्दी करो, तुम्हारी दोस्त वेट कर रही होगी ना, चलो चलो। असद हम घर चले? घर? हाँ, क्यों? चलो जल्दी घर जाना है ना। नहीं नहीं जल्दी चलो, घर चलना है। रिदा घर जाके क्या करोगी, तुम्हारी दोस्त वेट कर रही है। प्लीज तुम घर चलो, मुझे जल्दी से घर जाना है। आर यू श्योर? हाँ हाँ घर जाना है। ओके रिदा, रिदा प्लीज मुझे बताओ हुआ तो क्या है। रिदा रिदा प्लीज मेरी बात सुनो। ये कौन है? हमारी होने वाली बहू है क्या? यार आप तो चुप करें। राजा साहब कहाँ है? कोई काम है तो मुझे बता दो। मैंने आपसे पूछा कि असद के वालिद राजा साहब कहाँ हैं? वो सो रहे हैं भाई साहब, सो रहे हैं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ से यार हटो ना। अरे हटे तो मुआ। छापा छापा, पुलिस पुलिस पुलिस। बस रिदा क्या हो रहा है ये सब कुछ? पहले तुम अपनी दोस्त के यहाँ जाते वापस आ गई और फिर ये तमाशा, क्या है ये? असद आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई। एक कैसी गलत फहमी? छोड़ो जाने दो, बताने वाली बात नहीं है। रिदा तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और फिर ऐसी बातें करती हो, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बताओ, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। यार मैं क्या कहूँ, मैंने बाहर एक फकीर को देख लिया था, उसकी शक्ल तुम्हारे वाले साहब से मिल रही थी, मुझे लगा कि ये क्या। आई एम सॉरी असद, मुझे पता है कि ये बहुत ख्याल से मुझे चलना चाहिए। भाई जान अब क्या होगा, फंस गए? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। जाओ भाई। ए माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमसे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी। ओ भाई हम भिखारी हैं, जब तक भीख मांग के खाना ना खाए ना हमें मजा ही नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही है भाई, भिखारी है ना, जो भीख मांग के खाने का मजा वो इज्जत की रोटी में नहीं है। ए अल्लाह सोने देना। नहीं भाई जी, मेरे बच्चे जी। चुप करो यार, बहुत ही अजीब लोगो तुम लोग। ओ भाई हमारी भिखारी बिरादरी में ऐसा ही होता है, तुम्हारा मेरे ख्याल में पहली दफा वास्ता पड़ा है। मैं बता रहा हूँ ये पहली और आखिरी दफा गलती थी, आइंदा नहीं होना चाहिए। भाई आइंदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आइंदा, लेकिन एक दरखास्त है छोटी सी। कैसी दरखास्त? हमें हफ्ते में एक बार बाहर जाने दिया करे भीख मांगने के लिए। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मशीन में हाथ आ गया था भाई, ये मेरा हाथ से अलग हो गया। बस घर पे आराम से बैठो, शुरू हो जाते हैं जगह। अब ये हमारी परफॉर्मेंस का दुश्मन हो गया भाई। राजा उस्ताद मैं बता रहा हूँ, ये लड़का बड़ा मतलब परस्त है, इसका मतलब निकलेगा और ऐसी लात मारेगा कि तेरी समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। राजा उस्ताद मेरी मानो तो हम अपना काम जारी रखते हैं। अब देख नहीं रहा, सख्ती से मना करके गया, वो काम कैसे जारी रख सकते हैं?
ओहो भोले राजा उस्ताद, अरे ये इतना बड़ा घर है, इतना कीमती सामान, अरे काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर तो काम दिखाया जा सकता है। तुम्हारा मतलब ये हुआ कि सफाया कर दिया जाए? दे अल्लाह सोने दे नहाते। रिदा वो बिजली का बिल मैंने जमा करा दिया तो आंटी को दे। हाँ दे दूंगी। अच्छा सुनो। हाँ? बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ? मैं उस दिन की बात के लिए अभी भी शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छे हो सर, तुम जैसे लोग होते नहीं। लोग तो तुम्हारे जैसे भी नहीं होते, तुम भी थोड़ी अलग। क्यों, मैं कैसी हूँ? अक्सर लड़कियों जिनको मैं जानता हूँ उनको शादियाँ करने का शौक होता है और तुम्हें पढ़ाई का शौक। हाँ ये तो सच है। ये अच्छी बात। तुम्हारा क्या प्लान है, तुम बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करते? कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो कर लूंगा। और अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या है? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, सुलझी भी हो। तुम्हारी कोई दोस्त है ऐसी? ढूंढनी पड़ेगी। मिल जाए तो बता देना, वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी पसंद की लड़की ढूंढना इतना आसान। रिदा, रिदा। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। वो आंटी बिजली का बिल देना था तो दे दिए ना, तो फिर जाओ। खुदा हाफिज। जी रिदा, जरा अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों पूछूं मैं तुमसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? अम्मी आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती है? ओफो, तुम मुझे मना करोगी और मैं मान जाऊंगी जैसे? अम्मी प्लीज मुझे सुकून से पढ़ लेने दे, हो जाएगी मेरी शादी भी। क्यों, कौन से झंडे गाड़ देने हैं तुमने? बड़ी अच्छी हमारे रिजल्ट आए ना पहले के। मेरी बात सुनो, जहां आप मैं कह रही हूँ वहां चुप करके शादी कर लो या खुद किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि आपको मेरी शादी कितनी जल्दी पड़ गई है? हो जाएगी शादी। क्यों, कब हो जाएगी? जब बाल सफेद हो जाएंगे हैं, फिर लंगड़े लूले बुड्ढे ठुड्ढे रिश्ते मिलेंगे, कहां से ढूंढूंगी अच्छा रिश्ता में? खुदा का वास्ता अम्मी मेरी जान छोड़ दे। लेकिन पहले मुझे साफ साफ बताओ तुम किसी को पसंद करती हो? वो तुम्हें पसंद करता है, खानदान को जानती हो, क्या कमाता है, क्या खाता है, कहां रहता है, किस? हाँ हाँ हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा तुम खैरियत? हाँ मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो रिदा, अगर तुम ये कहने आई हो कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं तो प्लीज। नहीं वो बात नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोल। मुझसे शादी कर लो। क्या क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तुम? हाँ मगर अगर मगर मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी से हाँ कह दो कि इससे पहले मेरी अम्मी किसी ऐरे गहरे से मेरी शादी करते। अच्छा तो मुझे कुछ सोचने का वक्त हो, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ठीक है।